बच्चों इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं हम आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो आईयूपीएसी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके नाम लिखने का एक सिस्टम है। तो 10th क्लास से आईयूपीएसी नेम स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद 11th क्लास में, 12th क्लास में और आगे तो सब हर क्लास के अंदर प्रेजेंट है यदि केमिस्ट्री का हमारा आगे सेशन चलता है तो। ठीक है, अब 12th क्लास के लिए क्या है, जब भी हम बोर्ड एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास ऑर्गेनिक वाला पोर्शन होता है और ऑर्गेनिक वाला पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्स का होता है, ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, और उस जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक का पोर्शन होता है वो विदाउट आईयूपीएसी नेम जाने हुए उनके रूल के बिना, आपको रूल नहीं आते हैं आईयूपीएसी नेम के, ठीक है, कंपाउंड्स के बारे में जानकारी नहीं है तो हमें डिफिकल्ट होता है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हम इस पार्ट में सीखेंगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड यदि हमें दिया जाए तो उसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे। राइट, उसके लिए क्या है, कोई भी आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, जो भी जर्नल हमारे कोर्स में होता है। ठीक है, उसके लिए 4 रूल्स हैं, उसके लिए क्या है 4 रूल हैं। अब इन चारों रूल्स को हमें क्या है 1 by 1 करके पढ़ना है। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या है, रूल नंबर फर्स्ट है, टू फाइंड द ऑर्गेनिक कंपाउंड आइदर ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। तो सबसे पहले हमें क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड को फाइंड करना है भी कंपाउंड हमारा ओपन चेन है या फिर कैसा है क्लोज चेन है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें ओपन चेन की, ओपन चेन में सिंपल कार्बन इस प्रकार से जुड़ा होगा, या तो स्ट्रेट चेन में जुड़ा होगा या फिर जुड़ा होगा वो ब्रांच चेन में लाइक दैट, या तो ब्रांचिंग होगी या फिर क्या होगा ओपन चेन होगा। तो ये इस प्रकार से यदि कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, तो हर कार्बन ने क्या है 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसमें 1 कार्बन सिंगल बॉन्ड से और 3 जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, CH2, CH2 इस प्रकार से है, वो वैलेंसी हम कंप्लीट कर लेंगे, इतनी जानकारी होती है। ठीक है, ओपन चेन हो गया हमारा ये। दूसरा है हमारे पास क्लोज्ड चेन। तो पहले तो हमें क्या है देखना है कि कंपाउंड हमारा ओपन चेन है या क्लोज चेन है। अब क्लोज चेन है या तो उसमें ऐसा रिंग होगा या उसमें ऐसा रिंग होगा या उसमें इस प्रकार से रिंग होगा या फिर ऐसे, तो या तो इस प्रकार से रिंग प्रेजेंट होंगे या फिर क्या होगा हमारा कंपाउंड इस प्रकार से होगा, उसमें बेंजीन होगा। तो ये भी हमारे पास ओपन चेन है और क्लोज चेन है, और ये भी हमारे पास क्लोज चेन है क्योंकि कार्बन जो है वो कॉर्नर, भाई हर कॉर्नर पे कार्बन है और कार्बन पूरे जो साइकिल है ना उसके अंदर यहाँ पे कार्बन यानी कार्बन के एटम ही मिलकर साइकिल को बना रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी कार्बन के एटम साइकिल का फॉर्मेशन करने हैं। तो ये हमारे पास क्लोज चेन हो गया, ये हमारे पास ओपन चेन हो गया। तो पहला रूल ये है कि हमें ओपन चेन और क्लोज चेन फाइंड करना बड़ा आसान है। कंपाउंड को देखो और देखकर पता लगा लीजिए भी ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है। नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ओपन चेन देन फाइंड longest chain of carbon atom। यदि कंपाउंड हमारा ओपन चेन है ना तो फिर आपको लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है कार्बन एटम, बहुत आसान है। ठीक है, कार्बन एटम में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें एक चेन भी हो सकती है, तो इसमें तो लॉन्गेस्ट कितना है यही हमारे पास एक चेन है। यदि एक से ज्यादा चेन प्रेजेंट हैं लाइक दैट तो हमें फिर क्या है उस चेन को पेरेंट चेन मानना है जिसमें कार्बन ज्यादा है। अब यहां इस चेन में कार्बन क्या है ज्यादा है तो हमें ये चेन को क्या मानना पड़ेगा पेरेंट चेन। तो दूसरा पॉइंट ये है कि रूल नंबर 2 है लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करना है। रूल नंबर 3,
रूल नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे पास, टू राइट नंबर ओवर कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम के ऊपर हमको नंबर लिखना है। ठीक है, तो नंबर लिखते समय सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप को नंबर देना है। सबसे पहले किसको नंबर देना है? फंक्शनल ग्रुप को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यदि वो नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड की तरफ जाना है कि डबल बॉन्ड तो नहीं है, वो नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, और वो नहीं है तो सब्स्टिट्यूट देखना है। इस प्रकार से क्या है, हम नंबर डालते हैं। अब इनमें भी क्या है, थोड़ा सा पॉइंट ये है कि फंक्शनल ग्रुप यदि कितने हैं, टू हैं। यदि दो फंक्शनल ग्रुप, एक कंपाउंड एक है लेकिन फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, दो हैं, तब आपको प्रायोरिटी टेबल को के अनुसार नंबर देना, फिर आपको प्रायोरिटी टेबल के अनुसार नंबर देना। और यदि सब्स्टिट्यूट दो हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट दो हैं, तब आपको देखना है उसमें, सब्स्टिट्यूट यदि हमारे पास दो हैं तो आपको देखना है अल्फाबेटिकली, दो या दो से ज़्यादा हैं तो अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है नंबर डालने, जब भी आप नंबर डालेंगे तो इस वे में नंबर डालना है, इस क्रम में नंबर डालना है। ठीक है, फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आता है सी डबल ओ एच, हाई प्रायोरिटी का फंक्शन ग्रुप सी डब्लू एच है। फिर है हमारे पास एसओ थ्री एच, फिर आया है सी डबल ओ आर यानी कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एस्टर, एसिड क्लोराइड एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के बाद आता है साइनाइड, साइनाइड के बाद आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन, कीटोन के बाद आता है अल्कोहल, अल्कोहल के बाद आता है NH2 ग्रुप। तो ये हमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल लर्न करनी है कि हायर प्रायोरिटी का ये है और ये उससे लोअर प्रायोरिटी का, जो भी पहले है वो पीछे वाले से हायर प्रायोरिटी का है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम नंबर डालते हैं ना, हमारा ये क्रम होना चाहिए। थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल लेके मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है, कोई कंपाउंड है सी एस थ्री सी एस टू सी डबल ओ एच, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हमें नंबर डालना है। भाई नंबर सबसे पहले डालेंगे हम, फंक्शनल ग्रुप को देंगे, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है सी डबल एच, उसके कार्बन को नंबर देंगे। या फिर यदि किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वहां से नंबर डालेंगे, तो वन टू और थ्री ऐसे कर लेंगे। या फिर क्या है, यदि एक से ज़्यादा फंक्शन ग्रुप हैं तो आपको प्रायोरिटी टेबल को सर्च करना पड़ेगा। तो जैसे सी एस थ्री सी ओ सी एस टू और सी एन, इस प्रकार से हमें बताया सी एन का प्रायोरिटी ज़्यादा है, सी ओ की प्रायोरिटी कम है, सी ओ बाद में आ रहा है, सी एन पहले, तो सी एन की तरफ से नंबर डालेंगे वन टू थ्री फोर और फाइव ऐसे। ठीक है, तो प्रायोरिटी टेबल को जब सेलेक्ट करना है, जब आपको कंसीडर करना है, जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, राइट। ये होता है हमारे पास नंबर डालने का क्रम। अब यदि डबल बॉन्ड आ गया तो कंपाउंड हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सी एल लाइक दैट। अब इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सब्स्टिट्यूट भी आ रहा है, लेकिन हमें देखना है सबसे पहले नंबर डालेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरफ से, वो है ना इसमें, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे हम, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड इधर से आएगा थर्ड पर, इधर से फर्स्ट पे आ रहा है, तो फर्स्ट वाले से नंबर डालेंगे वन टू थ्री और फोर, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हुए नंबर डाल देंगे। ऐसे ही क्या है हमारे पास, यदि सब्स्टिट्यूट होते हैं तो सब्स्टिट्यूट भी हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारे पास सब्स्टिट्यूट एक सिंगल सब्स्टिट्यूट है या फिर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है। सिंगल है तो जिधर से पास पड़ रहा है उधर से नंबर डालिए। भाई नाम तो हम लिखेंगे, इसका बताएंगे नाम कैसे लिखा जाएगा फोर रूल नंबर फोर में, इस प्रकार से इसमें नंबर डाल देंगे। सेम हमारे पास होता है यदि सब्स्टिट्यूट हमारे पास एक से ज़्यादा है,
CH3CH, यहाँ पे CL, CH2CH2CH, यहाँ पे हमारे पास BR है और यहाँ पे हमारे पास CH3 है। इसमें यदि हमें नंबर डालना है तो फिर हम देखेंगे अल्फाबेटिकली, भाई ये C से चालू होता है, ये BR से, तो हम अल्फाबेटिकली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस प्रकार से नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार से कोई कंपाउंड आता है तो हम उसको रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग क्या है, नंबर डालेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रूल नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट रूल नंबर 3 भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि विदाउट, यदि हमें नंबर डालना नहीं आएगा तो हम नाम कैसे लिखेंगे। रूल नंबर 4 जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रूल नंबर 4 ये है कि हम इसमें नाम लिखते हैं, ठीक है। और नाम सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूट का। तो सबसे पहले ये देखेंगे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, सब्स्टिट्यूट, और वो भी अल्फाबेटिकली, वो भी लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली, यदि एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली। प्लस और क्या ध्यान रखना है, वो कार्बन भी इंक्लूड करते हैं, वो नंबर कार्बन का नंबर भी इंक्लूड करते हैं जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए क्लोरीन 2 पे जुड़ा हुआ है तब 2 क्लोरो लिखेंगे, 3 पे जुड़ा हुआ है 3 क्लोरो लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सब्स्टिट्यूट एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। यदि नहीं है सब्स्टिट्यूट, फिर वर्ड साइक्लो लेके आते हैं। सब्स्टिट्यूट के बाद क्या अलग अलग लेके आते हैं, वर्ड साइक्लो। लेकिन इसमें शर्त है कि वर्ड साइक्लो तब आने वाला है जब कंपाउंड हमारा साइक्लिक होता है, यानी उसमें या तो ऐसा रिंग हो या फिर ऐसा रिंग हो या फिर इस प्रकार से कोई रिंग हो, ठीक है, या फिर इस प्रकार से कोई, तब हमारे पास उसके वर्ड रूट के नाम से पहले साइक्लो आता है, जैसे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। थर्ड है हमारे पास वर्ड रूट, वर्ड रूट का नाम आएगा थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे नाम आएगा कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यानी बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन, ठीक है। और लास्ट में आएगा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप। ध्यान रखना, फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे बाद में लेके आएंगे। तो ये हमारे पास एक क्या है, नाम लिखने का एक स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, फिर उसके बाद यदि साइक्लिक है तो लाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। देखो सब्स्टिट्यूट हो भी सकता है नहीं भी, साइक्लो कंपाउंड भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन वर्ड रूट हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिलकर बना है। अब कार्बन की संख्या कुछ तो होगी, 2, 4, 6 कुछ तो होगी, तो ये कार्बन की संख्या को बताता है, तो ये हो सक, ये पक्का होगा, ठीक है। दूसरा, बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल ट्रिपल होगा, राइट, कोई सा बॉन्ड हो सकता है, ये भी होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये दोनों तो मस्ट है। और ये क्या है, ऑप्शनल है, ये डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड कि कंपाउंड किस प्रकार का है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, यानी पहला और दूसरा हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन दोनों ये चीजें कन्फर्म है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम। तो पहले नाम सब्स्टिट्यूट का, फिर वर्ड साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, और फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इनको क्या है, हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूट है तो सब्स्टिट्यूट को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं, प्लस जो साइक्लो है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट को वर्ड रूट ही बोलेंगे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड को बोलेंगे प्राइमरी सफिक्स, और यदि फंक्शनल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है, 2-1-WR-1-2, बाद वाला सफिक्स और पहले वाला प्रीफिक्स हो जाएगा।
टू डिग्री प्रीफिक्स हमें बताता है सब्सटीट्यूट के बारे में, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक नेचर के बारे में, डब्ल्यू आर वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन एटम, और 1 डिग्री सफिक्स बताता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। सेकेंडरी सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है ना। तो ये हमें देखो लर्न करना है, याद रखना है। अब हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम कोई नाम लिखते हैं ना तो फंक्शन ग्रुप के पता होना चाहिए भी कौन सा फंक्शन ग्रुप है, उसका नाम क्या होगा, उसका सफिक्स क्या लाएंगे, दूसरा सब्सटीट्यूट कौन कौन से हैं और कौन से सब्सटीट्यूट का सिंबल क्या है, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं क्या है, सबसे पहले सारे सब्सटीट्यूट जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, जो भी जरूरी है हमारे 11th 12th या 10th क्लास में, उनको सबको मैं इंक्लूड कर दे रहा हूँ सब्सटीट्यूट को। पहला सब्सटीट्यूट है हमारे पास, यदि सब्सटीट्यूट एफ है ना तब उसके लिए लिखोगे आप फ्लोरो, यदि सीएल है तो उसके लिए लिखेंगे हम क्लोरो, यदि आई है तो उसके लिए लिखेंगे हम आयोडो, यदि बीआर है उसके लिए लिखेंगे हम ब्रोमो। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ सब्सटीट्यूट हो गए। स्टार्ट करते हैं और भी, यदि CH3 सब्सटीट्यूट है तो उसको लिखेंगे हम मिथाइल, यदि हमारे पास CH3CH2 सब्सटीट्यूट है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर C2H5 भी लिख सकते हैं, या फिर CH2CH3 भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं। इसको बोलेंगे हम इथाइल, ध्यान रखना है इथाइल बोला जाएगा इसको। नेक्स्ट है हमारे पास CH3CH2 और CH3, इसको बोलेंगे हम N प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल बोलेंगे इसको। यदि पहले कार्बन से हटाया ना नॉर्मल, और यदि हमने दूसरे कार्बन से हटाकर जोड़ा है तो उसको बोलेंगे हम आइसोप्रोपाइल, इसको आइसोप्रोपाइल बोलेंगे, पहले वाले को नॉर्मल प्रोपाइल, दूसरे वाले को आइसोप्रोपाइल। थर्ड है हमारे पास CH3 CH2 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 और C, इसको बोलेंगे हम एन ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे। कार्बन चार है, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन हटाओगे ब्यूटाइल बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये तीन कार्बन वाले सब्सटीट्यूट हैं और यहां से स्टार्ट हो रहा है चार कार्बन वाले सब्सटीट्यूट। तो पहला हो गया ये, दूसरा इसी को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं, यदि आप दूसरे कार्बन से हटा रहे हैं तब उसे बोला जाएगा सेक ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, और आपने ऐसे लिख लिया CH3 CH2 लाइक दैट, CH3 और CH, उसके ऊपर CH3 और आगे क्या है CH2 है, तब उसे बोलेंगे हम आइसो ब्यूटाइल, क्योंकि आइसो कंडीशन है CH, उसके दोनों तरफ CH3, इसमें भी सेम है CH दोनों तरफ CH3 और आगे CH2 और जोड़ दिया तो एक्स्ट्रा कार्बन हो गया, तो आइसोप्रोपाइल नहीं होगा ब्यूटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 C, मतलब इसको हम इस प्रकार से भी अरेंज करते हैं इनको ऐसे, तब इसका नाम होता है TERT, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद ये फोर कार्बन वाले हो गए, एक हमारे पास 5 कार्बन वाला होता है सब्स्टिट्यूट और उसको हम ऐसे लिख देंगे और इसको बोलेंगे हम नियोपेंटाइल, इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखने हैं, सारे सब्स्टिट्यूट हमें ध्यान रखने हैं कि इससे किस सब्स्टिट्यूट का क्या सिंबल है और उसको हम क्या है, और जहां पर मैंने क्या है ये बॉन्ड बनाया है इसका मतलब है यहां से ये जुड़ा होगा किसी रिंग से या फिर किसी चेन से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और भी इनके अतिरिक्त क्या है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं तो उनको भी समझ लेते हैं। तो ये तो हमारे कार्बन वाले और हैलोजन वाले सब्स्टिट्यूट थे, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास OCS3 जो है वो मिथाइल बोला जाएगा उसको, इसको बोला जाएगा मिथाइल मिथॉक्सी, सॉरी इसको बोला जाएगा मिथॉक्सी,
नेक्स्ट है हमारे पास OC2H5। OC2H5 को बोला जाएगा इथॉक्सी। अब कार्बन यदि 3 है तो प्रोपॉक्सी बोला जाएगा, 4 है तो ब्यूटॉक्सी बोला जाएगा, तो उसे तो लिख लेंगे। यदि OH यानी फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप होता है और ये सब्स्टिट्यूट यदि 2 दे रखे हैं तो सब्स्टिट्यूट माना जाएगा, तब इसका नाम लिखेंगे हम हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और सी डबल बॉन्ड ओ के लिए लिखेंगे हम ऑक्सो, ऑक्सो लिखेंगे। सी एच ओ के लिए लिखेंगे हम फॉर्माइल या फॉर्मिल, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त क्या है, सी एन के लिए लिखेंगे हम साइनाइड, एनसी के लिए लिखेंगे हम आइसोसाइनाइड, एनओ टू के लिए लिखेंगे हम नाइट्रो, NH2 के लिए लिखेंगे हम एमिनो। तो ये हमें क्या है, सब्स्टिट्यूट ध्यान रखने हैं। कुछ और भी सब्स्टिट्यूट होते हैं, वो भी हमें लर्न करने हैं, वो भी हमें लिखने हैं और याद भी करने हैं, क्योंकि देखो IUPAC नाम लिखना है तो ये हमें याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। इनका कोई शॉर्टकट नहीं है अभी, और जब तक आप इनको याद करके प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो तब तक क्या है ये याद लर्न भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रैक्टिस करनी है, इनको लर्न करने के बाद लिखने के बाद प्रैक्टिस करनी है। आगे हमारे पास क्या है, यदि बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट माना गया है, बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूट माना गया है, तब फिनाइल लिखेंगे, फिनाइल PHENYL इंपॉर्टेंट है। और यदि किसी रिंग को सब्स्टिट्यूट माना है साइक्लिक रिंग को, तो जो उसका नाम है उसी के अनुसार, जैसे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपाइल, 4 कार्बन है साइक्लोब्यूटाइल, 6 कार्बन है साइक्लोहेक्साइल, तो ये हमें ध्यान रखने हैं। ये हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूट है जिनको हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड साइक्लो, दूसरा पॉइंट आता है सब्स्टिट्यूट के बाद आता है वर्ड साइक्लो। अब भाई वर्ड साइक्लो तो आपको, यदि ऐसा कोई रिंग है ना, तो आपको साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इसमें तो आपको इतना ही लर्न करना है, कोई रिंग आ रहा है तो उसके नाम से पहले फिर क्या है, कार्बन नाम, कार्बन के एटम से पहले साइक्लो लगाना है। अब हमारे पास थर्ड है वर्ड रूट, वर्ड रूट, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के बारे में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कितने कार्बन एटम्स है, वो हमें बताएगा वर्ड रूट। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम यदि हमारे कंपाउंड में एक है तो हम उसे लिखेंगे मैथ, दो है तो एथ, तीन है तो लिखेंगे प्रॉप, चार के लिए लिखेंगे ब्यूट, पांच के लिए लिखेंगे पेंट, छह के लिए लिखेंगे हेक्स, सेवन के लिए लिखेंगे यानी सात के लिखेंगे हेप्ट, आठ के लिए लिखेंगे ऑक्ट, नाइन के लिए लिखेंगे एन ओ एन, दस के लिए लिखेंगे डी ई सी डैक, इलेवन के लिए लिखेंगे अनडैक, और बारह के लिए लिखेंगे डूडैक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि किसके लिए हमें कितने कार्बन के लिए क्या नाम लिखना है, इंपॉर्टेंट है, तो इसे वर्ड रूट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्बन कार्बन डबल, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, यानी फोर्थ पॉइंट है हमारा जिसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो हमें बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम बताता है, ठीक है।
कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लेके आएंगे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ईन लेके आएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन यानी आयन लेके आएंगे। तो ये तो हमें ध्यान रखना है, जब हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा तो डबल बॉन्ड का देखो, जब तक हमारे पास सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा तब तक डबल नहीं आएगा, ठीक है ना। सिंगल जब डबल होगा तो सिंगल भी होगा, तो ऐसे केस में डबल का ही नाम लेके आएंगे, जब सिंगल है तो तब सिंगल का लाएंगे, जब कोई डबल ट्रिपल नहीं है, और जब डबल ट्रिपल दोनों है तो दोनों का ही नाम लेके आएंगे, तो ये भी ध्यान रखना है हमको। थर्ड है हमारे पास फाइव, और ये होता है सेकेंडरी सफिक्स, जो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, कौन सा फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, उसका नाम क्या कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए हम क्या है, यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, एक फंक्शनल ग्रुप का नाम, दूसरा उसका सिंबल, और तीसरा उसका सफिक्स यूज, जो भी आप IUPAC नाम में उसका नाम यूज करेंगे तो उसको बोलेंगे हम सफिक्स, जो भी आप सफिक्स यूज करोगे वो लिख लेंगे, ठीक है। जैसे पहला हमारे पास फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल हो जाएगा COOH, या तो ऐसे लिख दो या सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, और इसके लिए यूज करोगे ऑइक एसिड, ऑइक एसिड यूज करेंगे, सिंपल ऑइक एसिड, ठीक है। दूसरा है सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का हो जाएगा SO3H, यानी सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे इसके लिए, सल्फोनिक एसिड यूज करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है फंक्शन ग्रुप की भी क्या है, ये पीरियोडिक टेबल के अनुसार ही मैं इसको बना रहा हूं। तो सिंबल क्या है, नाम क्या है, और उसके लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे लर्न करना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एस्टर, एस्टर आता है हमारे पास, एस्टर का होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर, और इसके लिए लिखेंगे OATE, OATE लिखते हैं। नेक्स्ट होगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, उसके बाद एस्टर है, एस्टर के बाद होता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड के लिए COCl लिखेंगे, और ऑयल क्लोराइड लिखेंगे इसके लिए, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। नेक्स्ट होगा हमारे पास एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, एसिड एमाइड के लिए लिखेंगे CONH2, और एमाइड इसके लिए लिखेंगे एमाइड। नेक्स्ट है साइनाइड, साइनाइड के लिए लिखेंगे CN, और लिखेंगे इसके लिए नाइट्राइल, सफिक्स NITRIL। नेक्स्ट है हमारे पास साइनाइड के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे हम CHO, और CHO के लिए लिखेंगे हम अल। फिर होगा एल्डिहाइड के बाद हमारे पास आ जाएगा कीटोन, कीटोन्स, कीटोन के लिए लिखेंगे हम CO, सिंबल है, और सफिक्स यूज करेंगे ONE, ONE, वन या फिर ON। उसके बाद है एल्कोहल, एल्कोहल के लिए लिखेंगे OH, और OL लिखेंगे, और लास्ट होता है हमारे पास एमीन, एमीन के लिए लिखेंगे NH2, और सफिक्स भी इसके लिए क्या आएगा, एमीन ही आएगा। तो ये हमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप और उसकी टेबल को लर्न करना है, उसके सारे सफिक्स क्या यूज करते हैं वो याद करना है, ठीक है। तो ये सारा, ये चार रूल यदि हमें याद है, और इसमें होने वाली जो टर्म्स हैं वो सारी लर्न है, ठीक है। अब हमें क्या है, केवल इन सारी टर्म्स को यूज करके
अपने IUPAC नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कुछ नाम से, जैसे फर्स्ट हमारे पास ये एक कंपाउंड है और यहाँ पे मैंने जोड़ रखा है OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पर हमारे पास है BR। इस कंपाउंड का हमको क्या है, नाम लिखना है, IUPAC नेम। अब इस कंपाउंड का IUPAC नेम आप कैसे लिखोगे, देखो मैंने सबसे पहले बताया कि पहले देखेंगे ओपन चेन है या फिर क्लोज चेन है। ये कंपाउंड हमारा क्लोज चेन है तो दोनों रूल जो पहला दूसरा है वो तो लगेंगे नहीं, तो क्या होगा फिर, तीसरा रूल लगेगा नंबर डालने वाला। अब नंबर डालने वाला सिंपल मैंने साधारण रूल क्या बताया बताइए, मैंने बताया कि सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप देखो, बिल्कुल दिख रहा है OH फंक्शनल ग्रुप है, नंबर इसी को दे दो 1 इस कार्बन को जो ये एक विवल कार्बन है। फिर हमें डबल बॉन्ड देखना है नंबर डालते समय, फिर ट्रिपल बॉन्ड और सबसे बाद में सब्स्टिट्यूट देखना है। अब सबसे बाद में क्या है, फंक्शन ग्रुप के पास डबल बॉन्ड की तरफ जाना है, तो 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से नाम लिखेंगे और नंबर डालेंगे। नाम सबसे पहले लिखा जाता है सब्स्टिट्यूट का, उसके बाद साइक्लो यदि है तो, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद आएगा बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन के बीच में, और फिर आएगा फंक्शनल ग्रुप का नाम। ये यदि दोनों पॉइंट पता है तो इसका नाम हो जाएगा, यदि उसमें आने वाली टर्मिनोलॉजी सब्स्टिट्यूट याद है, फंक्शनल ग्रुप याद है तो हो जाएगा, ठीक है। तो नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट का, सबसे पहले सब्स्टिट्यूट कौन है इसमें, BR, तो BR कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 5 के और ब्रोमीन के बीच में लगाएंगे डैश, तो 5 ब्रोमो राइट। दूसरा साइक्लो, कंपाउंड साइक्लिक है तो वर्ड आएगा साइक्लो, WR यानी वर्ड रूट बता कार्बन की संख्या कितनी है, 5 के लिए क्या लेके आएंगे, पेंट, 5 ब्रोमो साइक्लो पेंट, ठीक है। और दूसरे तीसरे कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2-ene और 1 पर जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, यानी बॉन्ड तो है डबल बॉन्ड तो, और वो भी दूसरे कार्बन और तीसरे के बीच में, तो जो संख्या कम होती है उसको लिखते हैं और फिर बॉन्ड लिख देते हैं, ईन है, और 1 पर क्या जुड़ा हुआ है हमारा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH के लिए ऑल लाते हैं। नाम हो गया 5 ब्रोमो साइक्लो पेंट 2-ene 1 ऑल। तो सब्स्टिट्यूट भी आ गया, साइक्लो भी आ गया, वर्ड रूट भी आ गया, बॉन्ड भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। दूसरा है हमारे पास CH3CH OH, CH2 और CHO, ये हमारे पास, ठीक है। ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन एटम की है, दोनों रूल हो गए हमारे पहले दूसरे। दूसरा रूल, तीसरा रूल है नंबर डालो, नंबर सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को डालते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप इसमें CHO भी है और OH भी है। अब क्योंकि CHO प्रायोरिटी टेबल में पहले आता है और OH आता है बाद में, तो CHO को ही हम पहले नंबर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 इस प्रकार से नंबर देंगे। नाम लिखा जाएगा सब्स्टिट्यूट का, सबसे पहले ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूट कौन, जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो लोअर प्रायोरिटी वाला सब्स्टिट्यूट बन जाता है, तो लिख देंगे 4 हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH आ रहा है तो फिर इसके लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ठीक है, 4 हाइड्रोक्सी। देखो यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप माना गया तो ऑल आया था, जब इसको सब फंक्शन ग्रुप नहीं माना जाएगा तब उसके लिए हाइड्रोक्सी लिखेंगे, ध्यान रखना है 4 हाइड्रोक्सी। फिर साइक्लो नहीं है भैया, साइक्लो नहीं आएगा इसके, तो साइक्लिक नहीं आए, वर्ड रूट कितना है 5 कार्बन, 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंट लिख देंगे। बॉन्ड कैसा है कार्बन कार्बन में, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाएंगे हम एन, में ई नहीं लाएंगे क्योंकि CHO है, क्योंकि क्या है CHO यानी फंक्शन ग्रुप है, फंक्शन ग्रुप CHO है तो उसके लिए लाएंगे अल, ठीक है, और वो पहले का, तो 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन अल, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, पहला दूसरा ये नाम क्या है हमको लर्न कर लेना है अच्छे से। नेक्स्ट है हम, और भी बहुत सारे क्या है, हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स है, एल्कोहल फिनॉल ईथर है, ठीक है, तो कंपाउंड्स के बहुत सारे नाम है, लेकिन रूल पर इन्हीं पर बेस्ड होंगे जो भी हम नाम लिखेंगे, कुछ बुक से भी लिख लेंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास CH3 CH2 CH, यहाँ पे CL जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 और यहाँ पे जुड़ा हुआ है BR। इस प्रकार से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें 5 कार्बन एटम की है,
हमें नंबर डालना है, नंबर सबसे पहले देंगे फंक्शनल ग्रुप को, वो इसमें नहीं है। डबल बॉन्ड को देखेंगे वो भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे वो भी नहीं है। सब्स्टिट्यूट है, बी आर भी सब्स्टिट्यूट है और सी एल भी, लेकिन अल्फाबेटिकली कौन पास पड़ता है? बी आर। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे लिख देंगे। नाम लिखना है सबसे पहले सब्स्टिट्यूट का, वो भी अल्फाबेटिकली। अब 1-bromo-3 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, नंबर और अक्षर के बीच में डैश लगाना है, तो 1-bromo-3-chloro। उसके बाद आएगा कौन? साइक्लिक है नहीं, साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है। उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट कितना है हमारे पास? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। उसके बाद फंक्शन ग्रुप है नहीं तो छोड़ देंगे, तो 1-bromo-3-chloro पेंटेन हो जाएगा। ये नाम लिख देंगे इसका। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमें नाम लिखना है, तो नाम कैसे लिखेंगे भाई? वही है हमारे पास रूल, वही ध्यान रखना है। ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन एटम की, यानी 1, 2, 6 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन है इसके अंदर। नंबर डालेंगे फंक्शन ग्रुप, वो इसमें नहीं है। डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट हमारे पास क्या है? यहाँ से बी आर है, ये इधर से बी आर है और इधर से सी एल है, तो नंबर डालेंगे हम इसके। यहाँ पे हम जोड़ देते हैं एक सी एस थ्री, सी एस थ्री ऐड कर देते हैं, या फिर एन ओ टू एस यहाँ पे ऐड कर देते हैं, सी एस थ्री ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, नंबर डालेंगे इधर से क्योंकि बी आर पास पड़ा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तो इसमें जुड़ा हुआ है 2 पे ब्रोमो और 5 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो और 5 पे जुड़ा हुआ है मिथाइल, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट तो ये हो गया 2-bromo-5-chloro-5-methyl। उसके बाद साइक्लिक है नहीं, वर्ड रूट कितना है इसके अंदर? 6। 6 के लिए लेकेंगे हेक्स और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस प्रकार से इस कंपाउंड को हम लिख लेंगे, इस कंपाउंड्स के नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के नाम लिख लेंगे। मान लीजिए बेंजीन आता है, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? Cl जुड़ा हुआ है, तो क्लोरोबेंजीन, Br जुड़ा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन, NO2 जुड़ा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन, दो जगह जुड़ा हुआ है तो दोनों जगह को लिख दीजिए। मान लो Cl यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन लिख देंगे, ठीक है ना। तीन जगह जुड़ा हुआ है तो उसी पोजिशन पे डाल के नाम लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स के नाम आएंगे तो हो जाएंगे, ठीक है। और नाम मैंने क्या है, कुछ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के क्वेश्चंस कराए हैं, इंटेस्ट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पल भी हैं और एक्सरसाइज के, तो उसमें जितने भी नाम थे वो मैंने वहाँ पर सॉल्व किए हैं, तो वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। इन्हीं नाम पर, इन्हीं रूल्स पर बेस्ड है सारे नाम, कोई बाहर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, एल्कोहल फिनॉल ईथर के यदि हमें नाम लिखने हैं, ठीक है। तो एल्कोहल का नाम हमें लिखना है जिसे CH3OH है, तो मिथेनॉल हो जाएगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड है एन और CHO के लिए ऑल, मिथेनॉल या कॉमन नेम में मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा। यदि कॉमन नेम लिखें इसका मिथाइल एल्कोहल, तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई कॉमन नेम इसका मिथाइल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, यदि हम कार्बन की संख्या इसमें बढ़ाते हैं तो CH3CH2OH, इसको बोलेंगे हम इथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है भाई, देखो वही देखेंगे, ओपन चेन है, क्लोज चेन है, तो ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन एटम की, दो कार्बन के नंबर कैसे डालेंगे फंक्शन ग्रुप, तो 1, 2 ऐसे नंबर डाल देंगे, ठीक है। नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट नहीं है, साइक्लिक नेचर नहीं है, वर्ड रूट दो कार्बन है, दो के लिए एथ, बॉन्ड कैसा है एन, सिंगल है एन लिखेंगे, फंक्शन ग्रुप OH है तो ऑल लिख देंगे, तो नाम हो जाएगा इथेनॉल मिथेनॉल। तीन कार्बन है प्रोपेनॉल, चार कार्बन है ब्यूटेनॉल, छह कार्बन है हेक्सेनॉल। और यदि कंडीशन, यदि हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसे दो फंक्शन ग्रुप जुड़े हुए हैं और दोनों ही OH हैं, तो नंबर जैसे डालेंगे 1, 2, 3
इसमें हमें प्रॉप लिखना पड़ेगा, एन में ई भी लगानी पड़ेगी और 1, 2 डाई ऑल भी लिखना पड़ेगा। ऐसे जब फंक्शन ग्रुप दो होते हैं तो हमें ई को भी क्या है हटाना नहीं है, ठीक है, ई को लगे रहने देना है। तो प्रोपेन 1, 2 डाई ऑल हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिनॉल है तो फिनॉल हम जानते हैं भाई, बेंजीन है या बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ देंगे, OH फिनॉल हो जाएगा। यदि कोई जुड़ा हुआ है कोई सब्सटीट्यूट 2 क्लोरो 4 क्लोरो या 3 क्लोरो उसी के हिसाब से उसका नाम लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ईथर। अब ईथर जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेमिंग के पर्पज से। ईथर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें फंक्शन ग्रुप पाया जाता है आर ओ आर डैस। नाम लिखते हैं एलकॉक्सी एल्केन, नाम लिखेंगे एलकॉक्सी एल्केन। एलकॉक्सी लेस कार्बन, जिधर भी लेस कार्बन होंगे उधर एलकॉक्सी आएगा। एल्केन मोर कार्बन, जहां भी मोर कार ज्यादा कार्बन होंगे वहां पर एल्केन आएगा, ये हमें याद रखना है। सिंपल एग्जांपल लेके बताते हैं एल्कोक्सी एल्केन का। यदि हमारे पास दोनों तरफ कार्बन ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन सेम है, भाई ये ऑक्सीजन है और दोनों तरफ कार्बन कैसे हैं सेम है, ऐसे केस में क्या काम करेंगे, इस कार्बन के लिए क्या लगना है हमें, दोनों सेम है तो इसके लिए एक के लिए मैथ लगाएंगे और ओ जुड़ा हुआ है तो ऑक्सी, मतलब ऑक्सी लेस कार्बन की तरफ। अब दोनों तरफ सेम है यहाँ पर भी मैथ आएगा लेकिन इसके पीछे क्या लगा देंगे एन, तो मिथॉक्सी मिथेन। लेकिन कंडीशन यदि ऐसे होती है CH3O, एक तरफ कार्बन दो है और एक तरफ कार्बन एक है, एक कार्बन के लिए हमें मैंने पहले बताया मैथ लाते हैं और उसके साथ जोड़ देंगे ऑक्सी, पहले वाले मतलब लेस कार्बन के साथ ऑक्सी, ज़्यादा वाले के साथ एन। ज़्यादा कितने हैं, दो कार्बन है, इसके साथ जोड़ देंगे एन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है CH3 CH2 और CH3, लेस कार्बन है एथ लिखेंगे और ऑक्सी, ज़्यादा कार्बन है प्रॉप लिखेंगे एन, क्या नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। बिल्कुल सिंपल है। ईथर का जब भी नाम आता है तो एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा और जिधर कार्बन हमारे पास कम है उसको ऑक्सी के साथ जोड़ना है और सेम है तो किसी के साथ कोई भी जोड़ दो, ठीक है। ईथर का नाम आप ऐसे लिख सकते हैं। एरोमेटिक ईथर है तो हमारे पास क्या होगा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर OCH3, इसको कम कार्बन के लिए क्या बोलेंगे हम मैथ, उसके साथ जोड़ देंगे ऑक्सी और इसको बोलते हैं रिंग में बेंजीन क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, इसको बाद में लिखेंगे मेथॉक्सी बेंजीन या फिर इसको बोलते हैं हम एनिसॉल बोल देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा यदि ईथर का नाम आ गया तो इस प्रकार से लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एल्डिहाइड यानी फंक्शनल ग्रुप CHO, कीटोन यानी फंक्शनल ग्रुप CO, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी फंक्शनल ग्रुप COOH, फंक्शनल ग्रुप COOH। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भाई कौन से कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट। अब फर्स्ट वाले में हमारे पास एल्डिहाइड है, नेक्स्ट कीटोन है और नेक्स्ट क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इनके नाम देख लेते हैं कुछ जर्नल नेम। जैसे फर्स्ट है हमारे पास HCHO, एक कार्बन है तो मैथ लगाएंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन और अल मिथेनल। यदि कार्बन हमारे पास दो हैं 1, 2 तो हो जाएगा इथेनल, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, प्रोपेनल ब्यूटेनल पेंटेनल। तो इस प्रकार से हम क्या है जनरल नाम लिख देंगे एल्डिहाइड का यदि आ जाता है तो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कीटोन्स। अब कीटोन्स का नाम कैसे लिखेंगे,
जो सिंपलेस्ट कीटो होना है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 3, नाम लिख देंगे प्रोपेन टू ऑन, 3, 1, 2, 3। अब देखो फंक्शन ग्रुप नंबर डाल दिया हमने, सब्स्टिट्यूट है नहीं, साइक्लिक नेचर है नहीं, वर्ड रूट कितना है 3, 3 के लिए प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 पर जुड़ा हुआ है ऑन, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन टू ऑन। इसे नॉर्मली क्योंकि ये पहला ही क्या होता है, कीटोन होता है, तो इसे प्रोपेन ऑन भी बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, यदि प्रोपेन ऑन आ रहा है तो एक्चुअल में प्रोपेन टू ऑन है, नहीं तो गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो इधर से फंक्शन ग्रुप देखो, इधर से फंक्शन ग्रुप पास पड़ेगा, नंबर डालेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन टू ऑन, और यदि CO3 पे जुड़ा हुआ है तो पेंटेन 3 ऑन हो जाएगा। तो ये सिंपल कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम। ठीक है, नंबर 3 है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि ये हो जाएगा, जैसे कार्बन हम ले लेते हैं 2 कार्बन, तो इसका नाम बोल देंगे हम, 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है, एन है और ओइक एसिड। ठीक है, इथेनॉइक एसिड, क्योंकि सबसे पहले देखेंगे कितना लॉन्गेस्ट ओपन चेन है, क्लोज चेन, हमें पता है भी ओपन चेन है, लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन एटम की है। नंबर डालेंगे फंक्शन ग्रुप से, फंक्शन ग्रुप ये है, तो यहाँ से रख दिया 1 और यहाँ से रख दिया 2। सब्स्टिट्यूट है नहीं, साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड आ जाएगा एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए लिख देंगे ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि हम कार्बन की संख्या बढ़ाते हैं तो CH3CH2 COOH, तो नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनॉइक एसिड हो जाएगा नाम, बिल्कुल सिंपल है। इस प्रकार से क्या है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिख देंगे। यदि हमारे पास एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, या फिर क्या है, रिंग के ऊपर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब यहां से नंबर डालेंगे रिंग में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब इसका ओइक एसिड ना लाके लाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, यदि हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है COOH, तब लिख देंगे बेंजोइक एसिड, ये नाम हो जाएगा। राइट, ध्यान रखना है ये सब। नेक्स्ट है हमारे पास एमीन्स। सिंपलेस्ट एमीन होगी CH3NH2। एक कार्बन है तो मैथ लिखेंगे, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और NH2 के लिए लिख देंगे एमीन, नाम हो गया मिथेन एमीन। 2 कार्बन के लिए इथेन एमीन, प्रोपेन एमीन, ब्यूटेन एमीन, ऐसे ही कार्बन की संख्या बढ़ती रहेगी, नाम होता रहेगा। बदलाव क्या होता है, बदलाव सिंपल ये है कि इस H के स्थान पर और भी कोई CH3 ऐड हो सकता है। जब ऐसा हो रहा है तो एक को चेन में मानेंगे, एक को सब्स्टिट्यूट मानेंगे। मान लो इसको सब्स्टिट्यूट मानने हैं, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो एन मिथाइल मिथेनेमीन इसका नाम लिख देंगे। यदि ऐसे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3N, और यहां पर भी क्या है CH3 है, और आगे भी क्या है CH3 है। ठीक है, तो 2 को सब्स्टिट्यूट मानेंगे, मान लो इसको और इसको सब्स्टिट्यूट मान लें, तो ये चेन में आ जाएगा, और ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, N, डाइमिथाइल मिथेनेमीन, इसका नाम ही हो जाएगा। CH3N ऊपर भी क्या है CH3 है, आगे जुड़ा हुआ है CH2CH3,
अब जो इसको सब्सिट्यूट मान लेंगे, इसको सब्सिट्यूट मान लेंगे, क्योंकि जो ज्यादा कार्बन वाला होता है उसको चेन में मानते हैं हमेशा, ठीक है। यदि कार्बन दोनों में सेम है तो किसी को चेन में मान लो, किसी को सब्सटीट्यूट, ठीक है। यदि कार्बन की संख्या क्या है, एक तरफ ज्यादा है तो ज्यादा वाले को मान लेंगे चेन में औरों को सब्सटीट्यूट। तो नाम हो जाएगा एन कॉमा एन डाई मिथाइल इथेन एमीन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे पास हो गया एमीन का नेमिंग। यदि एरोमेटिक एमीन आती है तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जोड़ देंगे, NH2, तो इसको बोलते हैं बेंजीन एमीन, बेंजीन एमीन, या फिर इसको बोल देते हैं हम एनिलीन, एनिलीन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, हो सकता है कि इसके भी हाइड्रोजन हटकर इस पे भी कोई ग्रुप जुड़ रहा हो, तो ऐसे केस में इसका नाम हो जाएगा बेंजीन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर सी एस थ्री है, एक और सी एस थ्री है, तो दोनों को सब्स्टिट्यूट, इसको एन कॉमा एन डाइमिथाइल बेंजीन एमीन या फिर एनिलीन, एन कॉमा एन डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये हमें क्या है, ट्वेल्थ बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें क्या है, आईयूपीएससी को अच्छी तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए सारे रूल्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, थैंक्स।